अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 10 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व तिलहन दिवस, बी विश्व गेहूं दिवस, सी विश्व अनाज दिवस या डी विश्व दलहन दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का बजट हुआ पेश, 605 करोड़ से भी ज्यादा घाटे का अनुमान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के टीएनबी कॉलेज स्थित सभागार में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विद्यालय के 2021-22 का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने 605 करोड़ 19 लाख 47,379 रुपए घाटे का बजट पेश किया। कुल 617 करोड़ 34 लाख 87,195 रुपए का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए 21-22 के बजट में मुख्य रूप से अंगीभूत महाविद्यालय के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर 141 करोड़ 68 लाख 64,981 रुपए, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाए मद में 114 करोड़ 35 लाख 10,247 रुपए, वहीं इस विद्यालय कार्यालय और समृद्ध इकाई के कर्मचारी के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना में 85 करोड़ 42 लाख 52,919 सहित अतिथि शिक्षक के वेतनमान के मद में 3 करोड़ 75 लाख 10 हजार, संविदा कर्मी के वेतनमान में 3 करोड़ 46 लाख 93,340 रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं से पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के अभिभाषण के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट सत्र पर चर्चा प्रारंभ की गई। स्वागत करते हुए हमें आभार हर्ष हो रहा है, इसलिए कि अभिषद के माननीय सदस्यों के विचारों एवं अनुभूतियों से विश्वविद्यालय और भी अधिक समृद्ध होगा। बजट प्राकलन प्रस्तुत करने से पूर्व हम सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट प्राकलन 21-22 के प्रमुख बिंदुओं पर विचारार्थ हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज अनुमानित बजट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप करते क्या है, क्योंकि आपके मानसा के साथ लोग काम करते हैं, 90% दे देते हैं, ऐसा क्यों? साथ में जो सातवां पेशकश सरकार ने लागू किया उसकी स्थिति क्या है? जो लोग 20 वर्ष तक नौकरी कर लिया है उनको 1/7/1/4/17 से उसको 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलेगा। सभी लोगों को नहीं मिला है, जिसका पैरवी है उसको मिलता है, जिसका पैरवी नहीं उसको नहीं मिलता है। या कैसे कैसे बेटा बना है, या कैसा शासन है? तो शासन को तो देखना पड़ेगा कि सबों के साथ कर्मचारी हो, टीचर हो, एक रुकता होनी चाहिए। अगर 90% वीरेंद्र सिंह का भी होगा, 90% लीला संस्था के भी होना चाहिए, एक राज्य का भी होना चाहिए, एक रुकता होनी चाहिए, यह दुराव क्यों? इसका मूल कारण क्या है कि छात्रों से हम 12 रुपये जो जिस समय हम लोग पढ़ते थे आज से 40 वर्ष पहले, आज भी ट्यूशन फीस 12 रुपये। तो चूंकि सरकार शिक्षकों के सैलरी, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के सारे पैसे सरकार ही देती है, हमारी आमदनी जो बच्चों से 12 रुपया जो है ट्यूशन फी 12 या 15 रुपया तक अधिकतम जो फीस है, यही हमारी आय के साधन है। कुछ जो है फॉर्म परीक्षा विभाग से बेचे जाते हैं, कुछ परीक्षा के फॉर्म भरने से प्राप्त होते हैं, कुछ स्टेट से प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना 12 करोड़ समथिंग रुपया हमारी सालाना आमदनी है, जबकि अरबों रुपये का जो है सैलरी इत्यादि में खर्च है। तो हमेशा बजट घाटे का ही होता रहा है। दूसरा मुद्दा सर, छात्रों को लेकर के हॉस्टल की बात चली थी सर, उसमें रूसा देखिए, आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो सीनेट की बैठक हुई जी, बजट उसका जो 21-22 का है जी रखा गया है, और हम सभी सदस्यों ने
आंशिक संशोधन के साथ उसको पास किया। जो संशोधन है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा, और संशोधन को त्रुटि को दूर करते और ये बजट जो है सरकार के पास हॉल होते हैं। कितने की बजट पास हुई? बजट लगभग 6 अरब घाटे का बजट है वो पास किया गया है, और थोड़ा बहुत जो त्रुटि था उसको दूर करके सरकार के पास गया है। आपके द्वारा सर पूर्व में कॉपी के मामले को लेकर के भी उठाई गई थी एक मांग, जो कि 9,10,000 कुछ रुपए की कॉपी जो बेची गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, और उसकी आज तक कोई निर्णय नहीं आई। देखिए 9,00,000 जो मामला है ये तो वास्तविक जो आय है उसमें दिखाया गया। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249982121। भागलपुर डीएम सुब्रत सेन ने नाथनगर प्रखंड कार्यालय अंचल और रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। भागलपुर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने नाथनगर प्रखंड कार्यालय अंचल और रेफरल अस्पताल नाथनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रखंड और अंचल कार्यालय में कैश बुक समेत कई कमियों को पाया, जिसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जल्द कमी को दूर करने का निर्देश दिया। प्रखंड कार्यालय अंचल में हुआ सर, क्या विशेष है? देखिए प्रखंड अंचल को हम लोगों ने देखा, कैश बुक में जो भी कमी है उसको सुधारना है। राशि अविश्रम में पड़ी हुई है, अलॉटमेंट है, तो उसका फरवरी मार्च का महीना भी आ रहा है, फरवरी तक ही निकासी होनी है, मार्च बिल्कुल 15 तक सारा कंप्लीट कर लेना है। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि राशि की निकासी हो जाए। यहाँ अस्पताल में जो इंक्रोचमेंट अभी देखने को मिला प्रवेश के रास्ते में, तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि सभी ऐसे उपाय करेंगे कि इंक्रोचमेंट नहीं हो, और अगर लोग जानबूझ करके इसमें इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, और BHM और MOIC लगातार CO के संपर्क में रह करके इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। दूसरा जो देखने को मिला कि दवाएं कम है यहाँ, जो कि जबकि जिला में जो मुझे बताया गया है कि पर्याप्त संख्या में 55 प्रकार की दवाएं, 50 से ज़्यादा प्रकार की दवाएं अवेलेबल है, लेकिन यहाँ 29 तरह की दवा देखने को मिली है। तो हम लोग सिविल सर्जन को और MOIC दोनों लोगों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट करके जितनी तरह की दवाएं जिले में स्टोर में अवेलेबल हैं सामान्य लोगों को मिल पाए, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेबर रूम और इसकी स्थिति अच्छी पाई गई, साफ सफाई, और मरीजों से भी मैंने बात किया तो सब लोग संतुष्ट हैं, खाना मिल रहा है वो तो अच्छा है, OPD में भी ठीक ठाक चल रहा है। तो दवाएं हम लोग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध यहाँ कराएंगे, और एक्सरे की सुविधा भी बहुत जल्दी यहाँ। जो भी सुधार, जैसे अभी सर्विस प्लस का सर्वर स्लो चल रहा है जिसके कारण प्रमाण पत्र बहुत धीमी गति से बन रहा है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि 10 बजे से पहले या शाम में 6 बजे के बाद प्रमाण पत्रों का निष्पादन करें ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, जो भी कमी है उसको सुधारें। भागलपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, गंगा सफाई अभियान के तहत 2 जलकर माफिया हथियार गोलियों के साथ दबोचे गए। भागलपुर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलकर माफिया चाचा भतीजा को बरारी थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान टीम ने उनके पास से एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, वहीं इनके उपकरण को भी जब्त कर लिया है। मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि गंगा प्रहरी के साथ देहरादून की टीम बीते 1 माह से सफाई अभियान में जुटी है ताकि गंगा की स्वच्छता और अभयारण्य क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। आज इसी कड़ी में नवगछिया जिले के नागेश्वरी सहनी के साथ परबत्ता थाने के विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ASP पूरन झा का भी भरपूर सहयोग रहा। गिरफ्तार दोनों माफिया को नाथनगर थाने को सौंप दिया गया है। क्या कार्रवाई की आज? जैसे आपको पता है 2 लोग पकड़े गए हैं, एक तो इलीगल फिशिंग चल रहा था, पूरे गंगा को उन्होंने नेट से घेर लिया था, वो इलीगल फिशिंग टेक्निक है। तो वो जब हम पकड़ रहे थे तो एक बोट आया हमें रोकने, उस बोट में 2 लोग मौजूद थे बाकी टूरिस्ट के साथ, और जब हमने बोट की तलाशी की तो हमने एक इलीगल गन एंड उसके साथ जो बारूद आता है वो भी हमने बरामद की और तुरंत सीज कर दिया। तो अभी हमने बोट और बोट के अंदर जो भी सामान मिला है वो सब सीज कर दिए हैं, एंड जो 2 लोगों को हमने कस्टडी।
रानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया हुक्का पार्टी खेल के साथ चौरहर में माँ काली पूजनोत्सव शुरू। नवगछिया के खरीक के कोसी तटीय चौरहर गांव में माँ की काली पूजनोत्सव शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने बुधवार की देर शाम पहले परंपरागत खेल हुक्का पाती खेलकर पूजनोत्सव की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर माँ जगत जननी काली की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक विधि विधान से पूजन किया गया है। वहीं इसके पूर्व इस अवसर पर बुधवार की सुबह 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भी भाग लिया। आयोजन मंडल के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर भव्य मेला और कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। गोपालपुर भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। भाजपा के 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा व महामंत्री आलोक सिंह ने किया। वंदे मातरम के गान के साथ उद्घाटन सत्र में जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव ने उपस्थित भाजपाइयों को भाजपा के इतिहास व विकास के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। दूसरे सत्र में प्रोफेसर भूला कुंवर ने कार्य पद्धति संगठन संरचना के बारे में बताया। भोजन के बाद तीसरे सत्र में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा ने भाजपा के सैद्धांतिक अधिष्ठान की जानकारी दी। अंतिम सत्र में पूर्व सांसद भाजपा नेता अनिल कुमार यादव ने पंचायती राज व FPO की जानकारी संरचना की जानकारी दी। वहीं मौके पर नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह, गुलराज शाह, नीलेश सिंह, रोशन राय सहित दर्जनों भाजपाई की मौजूदगी देखी गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा ने किया, जबकि संचालन महामंत्री रंजीत झा व चंदन भगत ने किया। मौके पर बादल चौरसिया सहित कई मौजूद थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया जांच शिविर में चयनित 15 बच्चों के बीच श्रवण यंत्र का किया गया वितरण। नवगछिया प्रखंड संसाधन केंद्र में बुधवार को अनुमंडलीय स्तरीय श्रवण यंत्र वितरण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। श्रवण यंत्र वितरण कैंप में 19 जनवरी को प्रखंड संसाधन केंद्र नवगछिया में आयोजित जांच शिविर में बच्चों का जांच किया गया था। उक्त शिविर में 15 बच्चों का चयन श्रवण यंत्र वितरण हेतु किया गया था। बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना के समावेशी शिक्षा प्रभाग के द्वारा BRC नवगछिया में सभी चयनित बच्चों को बुलाकर श्रवण यंत्र निःशुल्क दिया गया। श्रवण यंत्र का वितरण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया के मार्गदर्शन में प्रखंड साधन सेवी समावेशी शिक्षा के हरिकेश कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट अजीत कुमार मिश्र एवं रवीश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित सभी अभिभावकों को श्रवण यंत्र के उपयोग एवं रखरखाव की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। श्रवण यंत्र पाकर बच्चों में काफी खुशी दिख रहे थे। जमीन विवाद में अपराधियों ने किसान को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता में देर रात अपराधियों ने जमीन विवाद में किसान महेंद्र मंडल 50 वर्षीय पिता गर्धू मंडल को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधियों द्वारा गोली मारकर किसान को घायल करने की सूचना मिलने पर 14 नंबर सड़क पर गश्ती कर रहे पर्वता पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर्वता पुलिस ने गोली लगने से घायल किसान को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां किसान का चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे छर्रा वाला गोली मारा है जो उसके सीने में लगी है। छर्रा होने के कारण उसके सीने में कई जगहों पर
जख्म है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। छोटी परबत्ता के ही सुबोध मंडल एवं गिरधारी मंडल से जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर सुबोध मंडल व गिरधारी मंडल ने उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि घायल किसान की स्थिति खतरे से बाहर है। मायागंज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा घायल का बयान दर्ज किया जा रहा है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में निजी चिकित्सकों का नहीं हो सका वैक्सीनेशन। कोरोना काल में सेवा देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी से नाखुश है निजी चिकित्सक। नवगछिया अनुमंडल में एक भी निजी चिकित्सक और निजी अस्पताल के कर्मियों का वैक्सीनेशन पहले चरण में नहीं हो पाया। मालूम हो कि सरकार के निर्देश के अनुसार पहले स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन सरकारी सेवा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों का वैक्सीनेशन तो हो गया, लेकिन निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों या क्लिनिकों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस बेरुखी से नवगछिया अनुमंडल के करीब 600 से 700 स्वास्थ्य कर्मी और निजी चिकित्सक नाखुश हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरसी राय ने इस बाबत प्रधानमंत्री समेत स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर निजी स्वास्थ्य कर्मियों और निजी चिकित्सकों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। नवगछिया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार राय ने कहा कि उन लोगों ने भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का जब वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो उन लोगों को वंचित कर दिया गया। वहीं सीबी चौधरी मेमोरियल क्लिनिक बीपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गौतम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों को वैक्सीनेशन की कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि कोरोना काल में उन लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए रोगियों को नियमित सेवा दी है। डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि दूसरे जिले में निजी अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और निजी क्षेत्र के चिकित्सकों का भी वैक्सीनेशन किया गया, लेकिन नवगछिया में स्थानीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण यहां के स्वास्थ्य कर्मियों और निजी चिकित्सकों का वैक्सीनेशन नहीं हो सका। वहीं पूछे जाने पर भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि पोर्टल पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। नवगछिया के चिकित्सकों और निजी अस्पतालों या क्लिनिक में काम करने वाले कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, इसलिए उन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो सका। सीएस ने कहा कि नवगछिया के निजी चिकित्सकों को वैक्सीनेशन के लिए निजी अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों की सूची नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक को उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी रजिस्ट्रेशन हो तो उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के कारण निजी चिकित्सक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन से वंचित रह गए होंगे। वे निजी क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन करवाने की दिशा में पहल करेंगे। नवगछिया में केक काटकर मनाया गया प्रभात खबर का स्थापना दिवस। प्रभात खबर के स्थापना दिवस पर नवगछिया स्टेशन रोड में बीजी म्यूजिक के स्टूडियो में शहरवासियों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया है। मौके पर बाबा गणिनाथ समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने कहा कि प्रभात खबर ने पाठकों के साथ दिल का रिश्ता कायम कर लिया है। खेल गुरु घनश्याम प्रसाद ने कहा कि किसी भी मुद्दे को मुकाम तक पहुंचने में प्रभात खबर का कोई सानी नहीं है। वहीं इस अवसर पर लोक गायक मिथुन महुआ मधेसिया ने मनमोहक गीतों की प्रस्तुति कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस अवसर पर पंकज कुमार भारती, घनश्याम प्रसाद, धर्मेंद्र गुप्ता, विशाल कुमार गुप्ता, वरुण बाबुल, मिथुन महुआ, मिस्टर चार्ली, मिस्टर तुषा, डॉक्टर दीपक कुमार भी मौजूद थे। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले निःशुल्क नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया 868 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण।
नौगछिया के न्यू पुलिस लाइन कैंपस में बुधवार को पुलिस जिले के 5 थाना में कुल 17 कांडों में जब्त किए गए 868.805 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस जिले के नौगछिया के 3, परबत्ता थाने के 3, झंडापुर ओपी के 1, कदवा थाने के 3 एवं डोलबजा थाना के 7 कांडों में जब्त किए गए शराब को विनिष्ट किया गया। शराब विनिष्टीकरण पर मौके पर दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी नौगछिया विश्वासानंद एवं सभी थाना के थानाध्यक्ष मौके पर मौजूद थे। नवगछिया किसान बिल के विरोध में किसान जागरण का कार्यक्रम 11 से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके तहत भागलपुर जिले में बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा 11 फरवरी से किसान जागरण जत्था का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम जिले के विभिन्न प्रखंड में चलते हुए 22 फरवरी को सम्पन्न होगा। बिहार राज्य किसान सभा के जिला संयोजक निरंजन चौधरी ने कहा कि 11 फरवरी को बाराहाट से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 22 फरवरी को नारायणपुर में यह कार्यक्रम का समापन होगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले निःशुल्क नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।